आप देख रहे हैं C20 न्यूज़। चलिए देखते हैं फिरोजाबाद जिले की खास खबरें। धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर दुष्टों का संहार करने धरती पर अवतरित होते हैं। यह प्रवचन फिरोजाबाद जिले के शोकोहाबाद में स्थित न्यू कुंज सहजलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्म की कथा कंस बखान करते हुए कथावाचक OP हटीला शास्त्री ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने असुरों का संहार करने के लिए ही धरती पर जन्म लिया था। भगवान कृष्ण ने कंस व कालिया नाग का अंत कर गोकुल वासियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने कहा कि भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धरती से पाप का नाश करने आते हैं, परंतु मनुष्य ईश्वर की लीला को समझ नहीं पाता। मनुष्य अपने अहंकार में सब कुछ भूल जाता है और इसका उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मोक्ष का सबसे सरल मार्ग ईश्वर की भक्ति है। इस दौरान कृष्ण अवतार की झांकी निकाली गई। श्री कृष्ण जन्म होते ही भक्तों ने जय जयकार करते हुए मस्ती में झूमने लगे। इस अवसर पर यजमान आसाराम कुशवाहा, परीक्षित छोटेलाल कुशवाहा, प्रेम कुमार डीलर, डॉक्टर सुभाष चंद्र, अध्यापक कमलेश यादव, राम स्नेही ग्राम प्रधान गौरव कुमार और शाखा प्रबंधक हरिशंद्र वर्मा के अलावा सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने भागवत कथा का रसपान किया। तो देखते रहिए C20 न्यूज। आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या बताएंगे? आज जो है कृष्ण जी का जन्म हुआ है और खूब डांस वगैरह भी खूब हुआ, गाने वाने अच्छे हुए और रामायण समापन भी किया है आज OP हटीला जी कुशवा जी ने भागवत में, हमें रामायण के भी बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गांव में जो भागवत चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भागवत बहुत अच्छी चल रही है, बहुत रही है, अच्छी अच्छी झांकियां निकाली जा रही है, जनता बहुत आ रही है आसपास की, बहुत कब भीड़ हो रही है, अपनी साल हुई काफी दूर बहुत अच्छी हो रही है, हम तो जाते हैं ऐसी अच्छी कामत काम में नहीं हुई है। आज का प्रोग्राम दिखाया गया उसके बारे में बताएंगे? आज का जो का है प्रोग्राम दिखाया श्री रामलीला का बका भागवत में जो का है दिखाई और क्या। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अजी क्या सोच रहे हो? हम यही सोच रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन कौन से स्कूल में और कहां कराया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएं जहां हिंदी और इंग्लिश मीडियम हो और नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती हो। हाँ हाँ, तो सुनिए, अपने पड़ोसी शर्मा जी है ना, उनके बच्चे होली पब्लिक स्कूल में ही तो पढ़ते हैं शिकुआबाद में। इस विद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ठीक है राधा, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शिकुआबाद में ही कराएंगे। हाँ चलिए। जी हाँ, आप भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शिकुआबाद में कराएं और बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाकर बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। उत्तम शिक्षा का सर्वोत्तम विद्यालय होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शिकोहाबाद। होली पब्लिक स्कूल में आवासीय सुविधा उपलब्ध, कुशल अनुभवी क्वालिफाइड टीचरों द्वारा सर्वोत्तम शिक्षण कार्य, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखाना, आधुनिक कंप्यूटर लैब, कमजोर बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं संचालित, आवासीय बच्चों के रहने व खाने पीने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है, नवोदय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान की तैयारी कराई जाती है। आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए आप अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शोहाबाद में ही कराएं। एडमिशन ओपन, प्रवेश प्रारंभ। नर्सरी से कक्षा 9 तक विद्यालय का नाम और पता नोट कीजिएगा, होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शिकोहाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9456628309 एंड 9454
6628318 होली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद।